चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद पर कदम रख चुका है। चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। भारत की इस सफलता को देखकर दुनिया के महाशक्तिशाली देश भी हैरान रह गए। बड़ी खबर यह है, चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग में राजस्थान की बेटी सुष्मिता चौधरी और सुनीता खोकर ने भी खास भूमिका निभाई। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की टीम ने दिन रात मेहनत करके चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग करवाने में सफलता हासिल की। 14 जुलाई 2023 को श्री हरिकोटा से लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन को सफल बनाने वाली इसरो की टीम में राजस्थान की दो बेटियों ने भी अपना योगदान दिया है। नाम है सुष्मिता चौधरी और सुनीता खोकर। दोनों बेटियाँ इसरो में वैज्ञानिक है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसरो वैज्ञानिक कोटा की बेटी सुष्मिता चौधरी ने चंद्रयान 3 लॉन्च व्हीकल की ट्रेजेक्ट्री की डिजाइन करने वाली टीम में अहम भूमिका निभाई है। राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले के लिए भी चंद्रयान 3 गर्व और गौरव का विषय है, क्योंकि इस मिशन में डीडवाना का नाम भी जुड़ गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डीडवाना की बेटी सुनीता खोकर ने चंद्रयान 3 का हिस्सा बनकर पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। चंद्रयान 3 में उपयोग हो रहे सेंसर को बनाने में सुनीता खोकर का विशेष योगदान रहा है। सेंसर का मुख्य कार्य चंद्रयान की गति और ऊंचाई बताने का है। इसकी सारी एक्टिविटी को लेकर प्रोग्राम बनते हैं, वह सेंसर के माध्यम से ही बनते हैं और उसी से हो रही सारी सूचनाएं इसरो के वैज्ञानिकों को प्राप्त होती है। आपको बता दें, सुनीता खोकर का जन्म डीडवाना उपखंड के ग्राम डाकीपुरा में 20 जुलाई 1993 में हुआ। सुनीता खोकर ने चंद्रयान 3 लैंडर के सेंसर को बनाने में योगदान दिया है। सुनीता के चंद्रयान 3 का हिस्सा बनने पर मुख्यमंत्री गहलोत ने भी उन्हें बधाई दी थी। उन्होंने सुनीता को राजस्थान का गौरव बताया। बताया जा रहा है, सुनीता इसरो में जाने की पहली परीक्षा पास नहीं कर पाई, फिर भी हिम्मत नहीं हारी, दोबारा तैयारी की और इसरो में फिर भाग्य आजमाया। इस बार सुनीता सफल हो गई। सुनीता का मानना है, गांव में पली बड़ी बेटियां भी बेहतरीन शिक्षा के दम पर अपने सपनों को पूरा कर सकती है। वह खुद एक छोटे से गांव में रहकर इसरो ज्वाइन करने का ख्वाब बुलंद हौसलों के दम पर पूरा किया। इस मिशन में शामिल हुए सभी वैज्ञानिकों को बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि ऐसे मिशन में वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत छिपी हुई होती है और आज भारतीय वैज्ञानिकों ने इतिहास रचकर पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करके काफी ऊंचाइयों तक पहुँचा दिया है। इसका श्रेय भी इसरो के वैज्ञानिकों को ही जाता है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए देश के वैज्ञानिकों को एक बार फिर ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाई। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहे राजस्थान समेत देश और दुनिया की बड़ी खबरों से। धन्यवाद।